हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और देखिए, हमारी सुबह हो गई है, उठ गए हैं। आज संडे है तो सुबह उठते ही मैंने बनाई है चाय और बैठ के पी रही हूँ चाय। पीने का बैठ के पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। पहले अच्छे से बैठ के चाय पीती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ, फिर जाके कुछ और आगे काम होता है मेरा। और इनको भी चाय दे दी, ये पी के दुकान चले गए हैं। मैं भी आराम से बैठ के पी रही हूँ चाय। और मिलते हैं किचन में। किचन में आ गई हूँ मैं गैस, और बनाने जा रही हूँ नाश्ते में पोहा मटर डाल के। कौन कौन बनाता है कमेंट करके बोलिए। और इधर बॉयल हो गई है मटर, इधर छोले बॉयल हो रहे हैं, और मैं छोंक रही हूँ पोहा। देखिए गाइस, हमारा बन गया है इधर पोहा, तैयार हो रहा है। कौन कौन मटर वाला पोहा पसंद करता है गाइस? मुझे तो हरी मटर वाला पोहा बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। और मैं बना के ले जाऊंगी दुकान पर इनके लिए नाश्ते में पोहा। चाय पोहा खा लेंगे वहीं। देखिए गाइस, बन गया हमारा खिला खिला पोहा, थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा। बनाती हूँ टेस्टी पोहा। बोल दो। बन गया गाइस हमारा पोहा, देखिए। और अभी हम आ गए हैं वापस घर, तो ये हमने छौंक लगा दिया है छोले का। तो आज बनेंगे छोले भटूरे, क्योंकि संडे है, बच्चे बहुत जिद कर रहे थे तो छोले भटूरे बनाओ। हमारी भी छुट्टी है, मैं अभी काम पे नहीं जा रही हूँ, 1 तारीख से काम पे जाऊँगी। तब तक बच्चों ने बोला अभी आप घर पे ही हो तो आज संडे को बनाओ छोले भटूरे। तो देखिए, मैं इसमें छोले में डाल रही हूँ चाय पत्ती का पानी। गाइस, चाय पत्ती के पानी से बहुत अच्छा कलर आता है छोले में, और बहुत टेस्टी भी बनते हैं इसका कलर से भी, और इस चाय पत्ती के स्वाद भी आ जाता है इसमें। मस्त बन गए हैं, देखिए काले काले कलर आ जाता है छोलों का, तो बच्चों को भी अच्छे लगते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं छोले। एकदम होटल जैसे दिखते हैं गाइस, इसलिए हम इसमें अपना खुद का नुस्खा बना के डालती हूँ चाय पत्ती का। देखिए तैयार हो गए हमारे छोले। और गाइस, इधर लगा रही हूँ मैं भटूरों का आटा। तो भटूरे के आटे में मैंने मैदे ली है, ऑयल डाला, नमक अजवाइन सब डाल के, और दही डाल के अभी मैं इसको गूंदूंगी। गूंद के थोड़ी देर रखूंगी, उसके बाद बनाऊंगी। तो इधर देखिए हमारे छोले ऐसे हो गए हैं बन के रेडी, और मैं लगाने जा रही हूँ अभी आटा। हो गए छोले तैयार, इनको ढक देती हूँ। इधर लगा रही हूँ मैं भटूरों का आटा। तो देखिए हमारा भटूरों का आटा इधर लगाना चालू है। गैस हमारे देखिए भटूरे बनने लग गए गरम गरम। आइए आप भी खाइए, स्वाद लीजिए छोले और भटूरे का। गैस कमेंट करके बताइए किसको अच्छे लगे। देखिए हमारे घर के छोले भटूरे बनते तो एकदम मार्केट जैसे हैं, बहुत स्वाद भी बनते हैं और अच्छे भी बनते हैं। वैसे ये तो मेरा पहला भटूरा था इसलिए बिगड़ गया है। अभी देखिए, इसके बाद पहला पहला सबका बिगड़ता है, तो हमारा भी बिगड़ जाता है। और ये देखिए मैंने थाली में निकाल दिया है, तो अभी दूसरा बनाना चालू किया है। देखिए गाइस, दूसरा वाला कितना अच्छा बना, फूला फूला और बड़ा।
ये देखिए गाइस, आइए आप भी खाइए छोले भटूरे। और गाइस हमारा खाना हो गया है, सबने खा लिया, बहुत स्वाद बने थे छोले भटूरे, सब खा के लेट गए हैं। दोपहर को भी जा रही हूँ मैं भी आराम करने। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।